हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ ये व्रत के लिए खास रेसिपी। कच्चे आलू से और साबूदाना मिक्स करके मैंने ये रेसिपी बनाई, वो काफ़ी टेस्टी बनी है ये, और काफ़ी कम सामान में झटपट बनने वाली ये रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्रत के लिए ये रेसिपी बनाने के लिए साबूदाना 1 कटोरी मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये काफ़ी फूल गया है। और 2 आलू लिए थे जिसे मैंने छील के पानी में रख दिया है। तो आलूओं को हम बारीक कद्दूकस कर लेंगे। दोनों आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो मैंने इसे बहुत बारीक किया है। और इस रेसिपी के लिए आप इसे इतना ही बारीक रखें, तभी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए, आलू को हमने धुल दिया था और अच्छे से मैंने इसे निचोड़ने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम दबाते हुए सारा पानी इसका निचोड़ देंगे। आलूओं को मिक्सिंग बाउल में मैंने निकाल लिया है, इसका पानी अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था। और अब इसमें डाल देंगे ये साबूदाने। इसमें जाएगा अदरक, तो अदरक को मैंने घिस लिया था। हरी मिर्च डाल देते हैं 3 से 4, मैंने इसे अच्छा सा चटपटा बनाने के लिए। और ये भुनी हुई मूंगफली का मैंने पाउडर बना लिया था, तो 2 से 3 चम्मच इससे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इसमें जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से। आप चाहें तो इसमें धनिया भी, हरी धनिया ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और बस इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से मिसलते हुए जिससे बाइंडिंग आने लगे इसमें। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और एक डो की फॉर्म में मैंने इसे कर लिया है। अब इसे मैं दोनों हाथों पे ऑयल लगा के और इसकी छोटी छोटी सी हम नींबू के आकार की टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए और इसे दबाते हुए हम इसकी टिक्कियाँ गोल गोल बना लेते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो अच्छे से अंदर से भी ये सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो सभी को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है, अब इन्हें करते हैं फ्राई। तो ये देखिए, कढ़ाई मैंने रख दी है और उसमें डाल लिया है घी, क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। और मीडियम पे मैं इसे तरह से टिक्कियों को डाल देंगे। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद इसे स्लो कर दें और एक बार में जितनी आए उतनी डालें। और इन्हें अभी टच नहीं करेंगे, पहले नीचे से अच्छे से सिक जाए, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। और दोनों तरफ से हम इसे पलटते हुए सेक लेंगे। इस तरह से सभी को अच्छा सा कलर आ जाए, तब तक सेक लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल फ्राई करके अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई कर लिया है, और बचे हुए भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं और इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरे भी हम फ्राई कर लेंगे। और दूसरा बेस जब डालें तो अच्छे से ऑयल को फिर से गर्म कर लें, और जब ये इसकी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं उसके बाद मीडियम करके इसे फ्राई होने दें। तो ये देखिए, बचे हुए भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तैयार है हमारी साबूदाना और कच्चे आलू से बनी ये रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनी है और झटपट बन जाती है। आप चाहें तो इसे खीर के साथ या दही के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ व्रत में खाएं वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।